आज हम एक ऐसे साइलेंट किलर के बारे में बात करेंगे जिसको आपने नजरअंदाज किया तो आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 128 करोड़ लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं और 58 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात का पता ही नहीं कि वो इसका शिकार हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन के बारे में, जिसे आम भाषा में हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है, जो चुपचाप आपके शरीर को अपना शिकार बनाता है और सीधा आपके दिल पर अटैक करता है। आखिर इसका इलाज क्या है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अतुल माथुर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एंड चीफ ऑफ कैथ लैब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पे। गुड सर, सबसे पहला हमारा सवाल यही रहेगा कि हाइपरटेंशन आखिर होता क्या है और क्यों हाइपरटेंशन के मरीजों को हार्ट अटैक का खतरा रहता है? हमारा जो हार्ट ब्लड पंप करता है तो उसका मकसद होता है कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई जाए, ठीक है। ये पंपिंग हमारे हार्ट की हर मिनट के अंदर एवरेज करीब 70-72 बार होती है। अब जिस प्रेशर से ये हार्ट पंप कर रहा है उसका मकसद ये होता है कि एक दूर दराज कोने में भी टो तक, हेड से टो तक ब्लड की सप्लाई चली जाए, तो उसके लिए उसको एक पर्टिकुलर प्रेशर से उस ब्लड को पंप करना पड़ता है। तो जो प्रेशर जनरेट होता है हार्ट से वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो जब हार्ट का स्क्वीजिंग होती है तो बीपी शूट करता है, और फिर जब हार्ट रिलैक्स करता है तो बीपी थोड़ा डाउन आएगा, है ना। तो पल्सेटाइल फ्लो होता है ब्लड का। तो अपर ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जो जब रिलैक्स होता है हार्ट उस समय जो बीपी का डिप आता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो एक ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर एक रेंज देखी गई है जिसके अंदर की अगर ब्लड प्रेशर रहे तो हमारा बॉडी का नॉर्मल एवरेज काम चलता रहेगा। सो आमतौर पे इस रेंज को 120/80, ऊपर वाला 120 और नीचे वाला जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 तक रहे तो उससे व्यक्ति सबसे ज्यादा हेल्दी रहता है। ये ब्लड प्रेशर एज के हिसाब से भी फ्लक्चुएट करता है, रेंजेस जो हम नॉर्मल मानते हैं इट फ्लक्चुएट्स विद द एज। सो इफ यू लुक एट द एल्डरली तो 140/90 तक का ब्लड प्रेशर ठीक माना जाता है। सर, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। ये दिल पर सीधा असर करता है, और क्या इसको मतलब ये किसी तरीके से हार्ट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है कि किस तरीके से हार्ट पे इसका इंपैक्ट पड़ता है सर? हाइपरटेंशन का ये है कि कोई खास सिम्टम नहीं होता, बीपी आपका भले ही काफी हाई हो, है ना, 160 110 बीपी हो तो जरूरी नहीं है कि आपको पता लगे। तो मतलब इन 90% ऑफ द पीपल हाई ब्लड प्रेशर साइलेंट रहता है। 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको कि ब्लड प्रेशर हाई होने के लक्षण महसूस होते हैं, और वो लक्षण होते हैं सिर में दर्द होना, चक्कर आना, थोड़ा सांस फूलना या छाती के अंदर भारीपन महसूस होना। तो ये किसी किसी को वार्निंग सिग्नल्स मिलते हैं। तो आमतौर पे हमको ब्लड प्रेशर का रूटीन में एक पर्टिकुलर एज के बाद रेगुलर चेकअप किया जाना चाहिए। तो आप 25 वर्ष की उम्र के बाद अगर साल में एक बार ब्लड प्रेशर चेक करा लें, स्पेशली अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है कि हाई ब्लड प्रेशर है किसी को मेंबर को, तो वो एक बेस्ट तरीका रहता है कि आप कहीं भी आपका ब्लड प्रेशर शूट कर रहा हो तो आप उसको पहले डिटेक्ट कर लो। और ब्लड प्रेशर चेक करने का बेस्ट तरीका होता है, एक तो आप डॉक्टर के ऑफिस में जाते हो, वहां ब्लड प्रेशर चेक करते हो तो हमेशा थोड़ी एंजाइटी होती है, उससे ब्लड प्रेशर ज्यादा आता है, या आप है ना कोई एक्सरसाइज करके आए हो, कॉफी चाय या कुछ एंजाइटी करके आए हो और उसके बाद बैठ के बीपी तुरंत देख लो तो आपका बीपी नॉर्मल जो रेंज है उससे ज्यादा मिलता है। सो आइडियल वे ऑफ चेकिंग ब्लड प्रेशर इज इन द मॉर्निंग व्हेन यू आर वेल रेस्टेड। तो अगर आपके पास घर में होम ब्लड प्रेशर कफ हो तो उससे आप बीपी चेक कर सकते हो। अदरवाइज जब हम लोगों को शक होता है कि ना किसी को ब्लड प्रेशर है या नहीं है तो हम उनको एक ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग मशीन दे देते हैं जिसको हम एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर रिकॉर्डर कहते हैं। तो जिन लोगों का किसी समय बीपी हाई हो किसी समय बीपी नॉर्मल हो तो उससे हम लोग को क्लियर कट डायग्नोसिस नहीं हो पाता तो हम उसको एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर से रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से कई सारे नुकसान हो सकते हैं। साइलेंट तो रहेगा ही, लेकिन इट इज कॉजिंग हार्म इन योर ब्रेन, इन योर आईज, इट कॉजेज हार्म ऑन योर हार्ट, इट कैन कॉज हार्म टू योर किडनीज, और इट कैन कॉज हार्म इन योर आर्टरीज ऑफ दी लेग्स एंड दी हैंड्स, जिनको हम पेरिफेरल आर्टरीज कहते हैं।
सो ब्रेन में इट कैन लीड टू, अगर बीपी एकदम से सडनली हाई शूट कर जाए तो इट कैन लीड टू हेमरेज, कोई आर्टरी रप्चर हो जाए और ब्लीडिंग हो जाए उसके अंदर, ब्रेन के अंदर। ब्रेन एक छोटा सा एक स्कल के अंदर, बोन के अंदर, एक लिमिटेड स्पेस के अंदर ब्रेन अपना मौजूद होता है, उसमें अगर सडनली ब्लीडिंग हो जाए तो हार्ट ब्रेन का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, सो दैट कैन बी कैटास्ट्रोफिक। द अदर थिंग दी ब्लड प्रेशर कैन कॉज इज कि, है ना, जो ब्रेन की आर्टरीज हैं उसमें धीरे धीरे, है ना, उसके हाई ब्लड प्रेशर के प्रेशर से कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स डेवलप होने लग जाते हैं, सिमिलर टू व्हाट यू कैन गेट इन द हार्ट आल्सो। सो हाई ब्लड प्रेशर इज अ रिस्क फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेजेस फॉर्मिंग इन द ब्रेन या अपने हार्ट के अंदर। तो ये ब्रेन के अंदर नुकसान हो गया। दूसरा, आई में भी ऐसे ही हेमरेज हो सकती है, या आई के आर्टरीज धीरे धीरे हाई ब्लड प्रेशर के होते सिकुड़ सकती हैं, तो उससे आई का विजन इफेक्ट हो सकता है। हार्ट के ऊपर अगर अपना हाई ब्लड प्रेशर रहे और आपने टेस्ट नहीं किया और आपने दवाई नहीं ली, तो हार्ट के ऊपर ज्यादा लोड आने लग गया है ना, वो जो हार्ट को काम करना पड़ रहा है, जो 120 80 वाला ब्लड प्रेशर तो आराम से बना लेता है, लेकिन जब, है ना, बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई हो गया हो फॉर वेरियस रीजंस, तो उस समय हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो हार्ट वीक होके एनलार्ज हो सकता है। सो दैट इज वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट। और द अदर थिंग इज, जैसे मैंने मेंशन किया कि कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेजेस बन सकते हैं हार्ट के अंदर, तो वो कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेजेस अगर बनने लग गए तो उससे हार्ट अटैक होने का खतरा होता है। सिमिलरली आपकी किडनी में अगर बीपी बहुत हाई रहेगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो किडनी धीरे 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 डैमेज हो जाती है, तो आपका किडनी फंक्शन डाउन हो सकता है। कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर अनट्रीटेड से किडनी फेलियर में गए, डायलिसिस पे जाना पड़ गया। सो इन वन वे ब्लड प्रेशर कैन बी अ किलर, एंड सिंस 90% बीपी के सिम्टम्स नहीं होते, तो यू कैन से इट इज अ साइलेंट किलर। सर, ये तो आपने हाइपरटेंशन के बारे में विस्तार से बताया, पर सर अब भी लोग इस बात से अनजान है कि हाइपरटेंशन होता क्यों है, और क्या मेल और फीमेल दोनों में इसके अलग-अलग कारण हो सकते हैं? हाई ब्लड प्रेशर में 90 to 95% ऑफ द केसेस, उसको हम इडियोपैथिक कहते हैं। क्यों इडियोपैथिक? मतलब उसका कोई कारण क्लियर कट नहीं होता, उसके कई मैकेनिज्म्स हैं जिसके अंदर की किडनी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। किडनी के अंदर क्या होता है कि आपकी जो किडनी आर्टरीज जो दोनों तरफ जाती हैं, तो किडनी में सेंसर्स होते हैं जो कि अपने बॉडी के ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। तो अगर किसी वजह से वो सेंसर किडनी का ये डिटेक्ट करने लग जाए कि भाई बीपी लो है, ठीक है, तो वो सेंसर ओवर वर्क करने लग जाता है और वो हार्मोन्स ऐसे सीक्रेट करता है जिससे कि बीपी को बढ़ाया जाता है। इसको हम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहते हैं बॉडी का, और वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बॉडी के अंदर सॉल्ट रिटेन करता है, वाटर रिटेन करता है, सारे शरीर की आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करता है जिससे कि बीपी और बढ़ जाए। तो ये एक विशेष साइकिल बन जाती है जिसके अंदर की किडनी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। दूसरा चीज ये होती है कि 5% से 8% लोगों के अंदर सेकेंडरी कॉजेज होते हैं जिसके अंदर की एक किडनी की आर्टरी का नैरोइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। कई कोलेस्ट्रॉल का जैसे ब्लॉकेज हार्ट में आता है या ब्रेन में आता है, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज अपनी किडनी की नस के अंदर भी आ सकता है। तो उससे क्या होगा कि किडनी की नस नैरो होने से किडनी को लगेगा कि बीपी फॉल हो गया है क्योंकि ब्लड आ नहीं रहा है ना, तो वो किडनी फिर हॉर्मोन्स और ज्यादा सिक्रीट करती है, तो वो हार्मोन से बॉडी का बीपी तो बढ़ जाता है लेकिन उस नैरो पैसेज के थ्रू जो किडनी को ब्लड फिर भी कम मिल रहा होता है। तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस इज वन कॉमन कॉज। उसके अलावा कई हार्मोनल कॉजेज होते हैं जिसके अंदर की एंडोक्राइन सिक्रीशन, स्टेरॉइड्स का, इलेक्ट्रॉन का, ये जो अपने किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं उनसे ज्यादा सिक्रीशन हो रहा होता है, तो उससे भी बीपी बढ़ने का कारण होता है। कॉमन कॉजेज के अंदर अगर कोई व्यक्ति वजन बहुत ज्यादा है, नमक बहुत ज्यादा खाता है, एक्सरसाइज कम करता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेता है, इन सब चीजों से ब्लड प्रेशर, क्योंकि बॉडी का ब्रेन से कंट्रोल होता है सिंपेथेटिक सिस्टम, और सिंपेथेटिक सिस्टम का काम होता है फाइट करना कोई भी इमरजेंसी के अंदर, तो ये सारी चीजें इंक्रीज करती हैं सिंपेथेटिक स्टिमुलेशन को, जिसमें कि बीपी बढ़ना भी एक उसका इफेक्ट होता है। तो इंक्रीज सिंपेथेटिक एक्टिविटी इन द बॉडी ड्यू टू एंजाइटी, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज, ड्यू टू इंक्रीज वेट, इन सब चीजों से ब्लड प्रेशर और बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो वो हमको चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं जब हम इसका इलाज करने की सोचते हैं। जी सर, सर एक चीज देखने को आ रही है कि बच्चों में जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं या बच्चे जो हैं उन सब में भी ये हाइपरटेंशन की बीमारी है, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है सर। इसका क्या कारण हो सकता है, और सर क्या इसका कोई इलाज है ताकि वो बच्चे इस बीमारी से बच सके?
बच्चों में ब्लड प्रेशर हाई होना इज नॉट वेरी अनकॉमन, अनफॉर्चुनेटली ज्यादा चेकिंग नहीं होती है ना, बट जो पीडियाट्रिशियंस ढंग से बच्चों को जांच करते हैं वो हमेशा ब्लड प्रेशर पे भी ध्यान रखते हैं। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो कॉजेज मैं आपको बता रहा था, उसमें बच्चों में सेकेंडरी हाइपरटेंशन होने का चांस ज्यादा है। उसमें कुछ पैदाइशी बीमारियां होती हैं जिसमें कि है ना एओर्टा की नैरोइंग होती है, या उसके अंदर किडनी के अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी होती है, या और सिंपेथेटिक स्टिमुलेशन बच्चों के अंदर ज्यादा होता है। तो ये कॉमन चीजें बच्चों में होती हैं जिनका की जांच करनी चाहिए और उनका इलाज कर दें तो ब्लड प्रेशर बेटर हो सकता है। अन्यथा ब्लड बच्चों में भी जैसे एडल्ट्स के अंदर दवाइयां देनी पड़ती हैं ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट की, वो कई बार हमको लंबे टाइम तक देनी पड़ती है। जी सर। सर ये तो बात रही कि बच्चों में इसका कारण क्या है, पर सर एक हाइपरटेंशन की समस्या से बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि इस समस्या से बचने का और इस समस्या का इलाज अभी काफी लोग अवेयर नहीं है, तो सर इस बारे में बताइए कि इस समस्या से कैसे बचा जाए, क्या इसका इलाज कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर से बचना तो मैं कहूंगा कि मुश्किल है, क्योंकि जिसकी टेंडेंसी है इनहेरिटेड वो उसका ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा, लेकिन हमें उन चीजों से बचना है जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। सो जो बढ़ाने वाली चीजें हैं उसमें एक तो एंजाइटी और स्ट्रेस होता है ना, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक स्ट्रेस या आपके ऑफिस के अंदर स्ट्रेस। सेकेंड थिंग इज लैक ऑफ एक्सरसाइज। ब्लड प्रेशर को अगर कंट्रोल करना है तो एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई लोगों का बॉर्डर लाइन जो ब्लड प्रेशर होता है वो अच्छी एक्सरसाइज करने से ही रिजॉल्व हो जाता है। सो रेगुलर वॉक्स पे या किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज, मान लो स्विमिंग है या कोई स्पोर्ट्स खेलना है, दे विल बी एन आइडियल सिचुएशन जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। थर्ड, आपको आमतौर पर आदत डालनी चाहिए कि खाने में ज्यादा नमक ना खाए, क्योंकि नमक से बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होता है एंड इट कॉजेज ब्लड प्रेशर टू गो अप। सो जो एडिड चीजें होती हैं, पापड़, अचार, भुजिया, नमकीन, ये बिस्किट्स, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा सॉल्ट होती है, इसमें बेकिंग सोडा भी होता है और नॉर्मल सॉल्ट भी हो सकता है, तो इन चीजों से अपने को बचने की कोशिश करनी चाहिए। सो रेगुलर एक्सरसाइज, रिडक्शन ऑफ सॉल्ट इनटेक एंड एल्कोहल। सो एल्कोहल का क्या होता है कि एक पैग अगर हार्ड लिकर का अपन लेते हैं तो उससे 10 मिलीमीटर ब्लड है, तो स्पेशली जिन लोगों को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है या जिनको टेंडेंसी है ब्लड प्रेशर हाई होने की, उनको अल्कोहल पे रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है, या सॉफ्टर जो बेवरेजेस होती हैं जैसे कि वाइन हो या कुछ लाइटर कोई अल्कोहल हो, वो भी लिमिटेड मात्रा में सोशल ड्रिंकिंग के लिए वो यूज करें, बट हार्ड लिकर एंड इन लार्जर अमाउंट्स विल अल्टीमेटली एंड अप रेजिंग योर ब्लड प्रेशर। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और उसके अलावा आपको देखना चाहिए कि आपका वजन ज्यादा नहीं हो, जितना ज्यादा वजन होगा उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उतना ही हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, उतने ही आपके और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं बॉडी के अंदर। सो ये सारी चीजों का अगर ध्यान रखें तो आपकी ब्लड प्रेशर जो राइज होता है उसकी चांसेस थोड़ी सी हमारे हाथ में आ जाती है, कंट्रोल हो जाती है। जी सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन, कुछ लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाई ले लेते हैं इसको क्योर करने के लिए, तो वो एक तरीके से तो गलती है, पर उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि वो दवाई लेने से उनके ऊपर क्या बैड इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। देखिए ऐसा है कि बिना प्रेस्क्रिप्शन के दवाई ले लेना मतलब आप अपने आप को खुद ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अपने ऊपर, है ना, क्योंकि जब आपको डॉक्टर जांच करता है तो वो कई सारे फैक्टर्स को देखता है। हमारे पास 5-6 अलग अलग तरह की दवाइयां अवेलेबल हैं ब्लड प्रेशर के लिए, तो वो उसमें से देखता है कि आपके लिए कौन सी मोस्ट सुटेबल है, उससे आपके बॉडी को ज्यादा रिलीफ मिलेगा, आगे के रिस्क कम होंगे, तो और प्लस उस चक्कर में जब आप डॉक्टर से विजिट भी करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर का चार्टिंग हो जाता है, वो आपको मोटिवेट करता रहता है, कई चीजें आप जो डिले पड़ रहे हो उन चीजों में तो आपको यानी मोटिवेशन भी मिलता है। तो बेटर तो यही रहेगा कि आप है ना अंडर गाइडेंस, अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको आप ना ट्रीट कराइए, दवाइयां जो आपको फिजिशियन एडवाइस करे, आपके कार्डियोलॉजिस्ट एडवाइस करे उनको लीजिए, मॉनिटरिंग आप चाहे घर पे कर लीजिए, लेकिन ये नहीं है कि रोज सुबह शाम ब्लड प्रेशर आप रहे हैं, क्योंकि वो भी एक एंजाइटी क्रिएटिंग प्रोसेस होता है। हमारे कई मरीज आते हैं एक बड़ी सी लिस्ट लेके आते हैं कि मेरा सुबह इतना था शाम को इतना था, तो हम उसको उसी समय बंद कर देते हैं, उसे कहते हैं कि इसको आप नापना बंद करिए, क्योंकि हर एंजाइटी वाले प्रोसेस से आपका बीपी और बढ़ रहा है। सो यू हैव टू ट्राई नॉट टेक एवरीथिंग इन योर हैंड्स एंड ट्राई टू बी ओवर एक्टिव इन दीज मैटर्स। इसको रिलैक्स तरीके से, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है इसके अंदर, क्योंकि ये तो जिंदगी भर हाई रहना है आपका, है ना, तो उसको समझदारी से आगे डालिए। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।